अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल कस्टम इंडिकेटर इन MT4 एंड इन MT5। MT4, MT5 ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग के हवाले से। तो अक्सर दोस्तों को, जो बिगनर्स हैं, उन दोस्तों को ये मसला दरपेश होता है कि जब उनको कोई इंडिकेटर दिया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर दिया जाता है, किसी वेबसाइट के ऊपर दिया जाता है, जो MT4 के अंदर अपना इंडिकेटर या MT5 के अंदर अपना इंडिकेटर नहीं होता, तो उनको इंस्टॉल करने में मसला आता है। तो इस हवाले से अक्सर दोस्तों का ये शिकवा रहता है कि हमारी इस टॉपिक पर ट्यूटोरियल नहीं है। तो आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के ऊपर है। मैं अपने सामने तनी फॉरेक्स एक इंडिकेटर इंस्टॉल करूंगा। फॉरेक्स इंडिकेटर पे मैंने क्लिक कर दिया है tanyforex.com में। इधर आपको फॉरेक्स इंडिकेटर्स पे मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो मैं कोई ओल्ड किस्म का इंडिकेटर फ्री डाउनलोड करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें, नॉन रिपेंट बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर। नॉन रिपेंट अच्छे इंडिकेटर होते हैं, रिपेंट इंडिकेटर पे आप लोगों ने कभी भी काम नहीं करना। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देख लें, थोड़ी देर के बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एक छोटी सी फाइल। तो ये आपको इंडिकेटर मिल गया। आपको किसी बंदे ने ईमेल पे दिया है, कहीं पे दिया है, तो इसको शो इन फोल्डर करना है। शो इन फोल्डर करने के बाद इधर से कॉपी करें, MT4 ओपन करें। ये सबसे ऊपर सबसे पहला ऑप्शन MT4 के अंदर फाइल है। फाइल के बाद ओपन डेटा फोल्डर पे जाइए। सिर्फ कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं, मोबाइल MT4 के अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता। इसके बाद फाइल ओपन डेटा फोल्डर के बाद आपने MQL4 पे क्लिक करना है। MT5 के अंदर आपने MQL5 पे क्लिक करना है। इंडिकेटर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। मेरे पास पहले जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको मैंने ख़त्म कर दिया है, इस जगह के ऊपर पेस्ट कर देना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि इंडिकेटर अगर RAR फाइल में है तो RAR से एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो उस जगह के ऊपर zip फाइल में है, सॉरी, तो RAR इंस्टॉल करके उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोबारा इधर करेंगे। इसके बाद आपने अपने MT4 को क्लोज करके नए सिरे से ओपन करना है, या अगर क्लोज नहीं करना चाहते तो इंडिकेटर्स पे आएँ, राइट क्लिक का बटन दबाएं, राइट क्लिक करें और रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि तनी फॉरेक्स नॉन इंडिकेटर ये हमारे पास शो हो गया है। और इस जगह के ऊपर हम ओके कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है वैसे। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो आई थिंक आप लोगों को ये इंडिकेटर, ये तो वैसे मेरे इरादों में नहीं था, इरादा नहीं था कि आप लोगों को ये इंडिकेटर दिया जाएगा, ये तो वैसे ही समय सामने आ गया। इसके ऊपर लाजमी सी बात है पहले वीडियो दी गई होगी। इसको हम ग्रीन कर देते हैं और इसको हम रेड कर देते हैं। ये देखें, ये एक सिग्नल देता है। और मज़े की बात है, ये नॉन रिपेंट है। नॉन रिपेंट का मतलब है जब सिग्नल देगा उसके बाद सिग्नल को ख़त्म नहीं करेगा। तो इस इंडिकेटर को आप देख लें, ये अच्छा इंडिकेटर है, आपको मार्केट के ट्रेंड का आइडिया देगा। और इस तरतीब से आप MT4 और MT5 के अंदर इंडिकेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि आपके जो MT4 के इंडिकेटर्स हैं वो आपके MT5 के ऊपर इंस्टॉल नहीं होंगे, और जो आपके MT5 के इंडिकेटर्स हैं वो MT4 के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।